कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश सरकार के काम को लेकर युवा कांग्रेस संसदीय क्षेत्र के उपाध्यक्ष मोहित चौधरी ने सवाल उठाए हैं। मोहित चौधरी ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में फीस को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं किया जाना सरकार पर सवाल या निशान लगा रहा है, क्योंकि कोरोना बीमारी के समय जहां हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है, ऐसे में किस तरह से लोग फीस भर पाएंगे और सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है। मोहित चौधरी ने कहा कि एचआरटीसी मंत्री के द्वारा बसों को चलाने पर डेढ़ गुना किराया बढ़ाने की बात की जा रही है, जिससे जनता की और मुसीबतें बढ़ेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी के चलते जनता पहले ही त्रस्त है, ऊपर से प्रदेश सरकार के निर्णयों से जनता की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि इन फैसलों को लेकर पुनर्विचार करें। बड़े दुख की बात है कि आज एक तो कोरोना की मार, ऊपर से भाजपा की महंगाई की मार इस प्रदेश में। जनता पूछ रही है क्या इसलिए बनाई थी हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार? देखिए, पिछले कल कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट के मंत्रियों ने माननीय सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री जी ने बोला, पिछले डेढ़ दो महीने से तो ये कभी वो टाल मटोल कर रहे थे कि कभी फीस बच्चों की माफ़ कर दी जाएगी, कभी कह रहे थे इसके बारे में सोचा जाएगा। अब कल जो हुई है तो उन्होंने बिल्कुल एक किनारा कर दिया है प्राइवेट स्कूलों की आड़ लेके। न जाने इसमें किसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो या खुद को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, सरकार को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं कि बच्चों की फ़ीस माफ़ नहीं होगी। तो जो कोरोना महामारी के समय जो व्यापारी वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो तो किस तरह से बच्चों की फ़ीस जो है भरेगा? बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हुई और फीस भी अब उनके कह रहे हैं कि फीस भी लगेगी। और साथ में गोविंद सिंह ठाकुर जी जो एचआरटीसी मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी अब ये निर्णय ले लिया है, जनता के ऊपर वार कर दिया है कि जैसे ही हमारी प्रदेश में एचआरटीसी की बसें चलेंगी तो डेढ़ गुना ज़्यादा किराया जो है दिया जाएगा। मेरी जयराम ठाकुर जी से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जनता के ऊपर इतना वार मत कीजिए। आपको आप ये नहीं जानते कि जनता ही प्रदेश की सरकार को बनाती है। हमने हमारी माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी ने जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए जितनी जयराम सरकार के कानों में कोई बात डाली तो उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। और हमने पहले निवेदन किया कि आप बिजली और पानी में राहत दीजिए तो बिजली के बिल आना भी शुरू हो गए, पानी विभाग वालों ने पानी के बिल की पर्चे बनाना भी शुरू कर दी। हमने हाउस टैक्स की बात की तो आपने उसमें भी राहत नहीं दी। हमने एक बात रखी कि इस महामारी के समय लोगों को राशन जो है वो और सस्ता मुहैया करवाया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। आपने ऐसी राहत दी कि लोगों का राशन का जो कटौती करना शुरू कर दी। हमने एक और बात रखी कि स्कूल की फीस माफ़ जो करनी चाहिए वो भी माफ़ की जाए, तो आपने उससे भी अपना हाथ जो है पीछे कर लिया। अभी तो हमने कोई बसेस के ऊपर, किराए के ऊपर कोई बात की नहीं थी, आपने वो भी पहले निर्णय ले लिया। लेकिन इसी हिसाब से आप जनता के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2022 में जो विधानसभा के चुनाव हैं, जनता एक एक बदले का अपने मत के द्वारा पूरी तरह से आपसे बदला लेगी। आपको सिर्फ धन्यवाद करना चाहिए श्री राजेंद्र राणा जी का और श्री राजा वीरभद्र सिंह जी का, कि जिनकी वजह से आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। अगर राणा जी चुनाव नहीं जीतते, वीरभद्र सिंह जी ने सुजानपुर में काम नहीं किया होता तो आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते। इस समय सिर्फ दो ही मुझे लगता है कि ऐसे एक व्यक्ति है जो मेरी निजी सोच है कि एक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पूर्व के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी और पूर्व के भाजपा के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी को ये बात जनता के जो प्रहार हो रहा है जनता के, उनको ये बात लग रही होगी कि क्योंकि उन्होंने जनता से वोट मांगे हैं, उनकी वजह से अगर भाजपा की सरकार प्रदेश में बनी तो धूमल जी की